तो दोस्तों आज आप देख रहे हैं छोटे प्लॉट एरिया पे नया बना हुआ बावड़िया कला की लोकेशन में 3BHK डुप्लेक्स। आसपास आपको खाली जगह दिख रही है, परंतु ये सारे प्लॉट बिके हुए हैं और कंस्ट्रक्शन का काम काफी चल रहा है इस एरिया में। हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। वास्तु विकल्प रियल्टर्स के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम देखने आए 3BHK डुप्लेक्स, जिसका एलिवेशन आप इस वक्त देख रहे हैं, और 750 प्लॉट एरिया पे लगभग 1500 स्क्वायर फीट बना हुआ 3BHK नॉर्थ फेसिंग का डुप्लेक्स है। चलिए तो अब अंदर चल के हम आज की अपनी इस प्रॉपर्टी का जायजा ले लेते हैं। गेट ओपन करते ही सबसे पहले आपका पोर्च एरिया आएगा, टू व्हीलर आपकी पार्किंग हो सकती है इसमें, प्लस आपका सिटिंग स्पेस बन सकता है। बोरिंग ऑलरेडी डुप्लेक्सेस में किया हुआ है, हाफ कवर्ड हाफ ओपन इनका पार्किंग स्पेस रहेगा। क्योंकि प्लॉट एरिया थोड़ा छोटा है तो जाहिर सी बात है फोर व्हीलर पार्किंग स्पेस इसमें नहीं निकल सकती थी, आपको अपनी गाड़ी भारी पार्क करनी पड़ेगी। और अब हम आ गए हैं अपने ड्राइंग एरिया में। अंदर एंटर करते ही आपको अच्छा बड़ा ड्राइंग एरिया मिलता है, इसको आप अपने ड्राइंग प्लस लिविंग स्पेस के हिसाब से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डबल चार्ज वेट्रीफाइड टाइल्स लगी हुई है 2x4 की, ऊपर पूरा फॉल सीलिंग करके दे रहे हैं। लाइटिंग की जितनी भी फिटिंग्स है सब फॉल सीलिंग के अंदर है, और पूरा आपको चारों तरफ से मैं इसका एरिया दिखा देता हूँ। दोस्तों यदि इस वीडियो के माध्यम से चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, और यदि आपकी जान पहचान में कोई प्रॉपर्टी सर्च कर रहा है तो उनके साथ हमारा चैनल जरूर शेयर कीजिएगा। ये ऊपर जाने के लिए आपको स्टेयर्स दिख रही हैं, पर पहले हम ग्राउंड फ्लोर अपना कवर कर लेते हैं। सामने आपको दिख रहा है किचन का पोर्शन, और ये इतना बड़ा इसलिए दिख रहा है क्योंकि साइड में आएगा हमारा कॉमन लेट बाथ, बेडरूम प्लस वॉश एरिया। फ्लोर टू रूफ का स्पेस दिखा देता हूँ, अच्छी हाइट दी है 10.25 फीट की। तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले आएगा हमारे डुप्लेक्स का कॉमन वॉशरूम का स्पेस। इसमें आपको ISI मार्क की ब्रांडेड सैनिटरी और प्लम्बिंग फिटिंग्स मिलेगी, वॉल टाइल्स 8 फीट तक लगी हुई है। इसी के साइड में आएगा हमारे डुप्लेक्स का फर्स्ट बेडरूम, करीब 10x12 का बेडरूम साइज है। फॉल सीलिंग यदि आपने ध्यान दिया हो पूरे मकान में करी हुई है ऑलरेडी, चारों तरफ से मैं आपको इसका व्यू दिखा देता हूँ, पूरा फ्लोर टू रूफ का स्पेस दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको ज्यादा बेटर समझ में आए और विजिट करने से पहले आपको पूरा आइडिया हो। और दोस्तों यदि आप ये प्रॉपर्टी विजिट करना चाहते हैं तो नंबर इस वक्त स्क्रीन पे दिख रहा है, आप दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ हम आ गए हैं अपने किचन एरिया में, बहुत बड़ा और बेहतरीन किचन स्पेस निकाला है, फॉल सीलिंग ऊपर करके दिए, नीचे प्लेटफॉर्म में डिवीजन ऑलरेडी बिल्डर आपको करके दे रहे हैं। ब्लैक ग्रेनाइट ऊपर प्लेटफॉर्म में लगा है, नीचे मार्बल से आपको पार्टीशन करके दे रहे हैं। इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स आपको मिलेंगी प्लेटफॉर्म में, साथ में है हमारा वॉश एरिया का स्पेस। और वॉश एरिया में ये जो विंडो आपको दिख रही है ये बेसिकली हमारे बेडरूम की विंडो है, जिससे कि वहां पर भी सनलाइट वेंटिलेशन बना रहे। प्लॉट एरिया भले ही 750 स्क्वायर फीट है, पर बिल्डर ने लेआउट बहुत अच्छे तरीके से प्लान किया है इसका। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा ग्राउंड फ्लोर लगभग पूरा कवर हो गया है, और अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर की तरफ। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि मैं इस प्रकार की वीडियो भविष्य में भी आपके लिए लाता रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके हमारा प्रोत्साहन बढ़ाते रहें। सामने हमें स्टेयर्स दिख रही है ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए, तो यहीं से पहले मैं आपको ममटी का पोर्शन दिखा देता हूँ। साइड में SS की रेलिंग लगी हुई है, स्टेयर्स के नीचे भी अच्छा पोर्शन निकल आया जो हम स्टोरेज के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों प्रॉपर्टी की एग्जैक्ट लोकेशन और कीमत जानने के लिए आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे सकते हैं। स्टेयर्स पे पूरा ब्लैक ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है। हम आ गए हैं अपने फर्स्ट फ्लोर पे, यहाँ पर भी आप देखेंगे लाइटिंग पूरी फॉल सीलिंग के अंदर दी है। आपको 2 बेडरूम आपको फर्स्ट फ्लोर पे मिलेंगे, पहले हम सामने वाला बेडरूम देख लेते हैं अपना। और मैं यहाँ पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि बेडरूम साइज देख के आप यकीन नहीं करेंगे, ये डुप्लेक्स 750 स्क्वायर फीट के प्लॉट एरिया पे बना हुआ है। बहुत ही शानदार स्पेस निकाली हुई है, 2x4 की वेट्रीफाइड टाइल्स लगी है, अच्छी बड़ी विंडो दी है जिससे कि सनलाइट वेंटिलेशन प्रॉपर रहे आपके रूम में। साउथ फेसिंग ये विंडो है तो ऑब्वियसली धूप अच्छी रहेगी दिन भर। पूरा फ्लोर टू रूफ का स्पेस दिखा देता हूँ, ऊपर फॉल सीलिंग की हुई है, बहुत बेहतरीन क्वालिटी की फॉल सीलिंग है, अटैच बाथरूम के साथ दिया हुआ है, और बाथरूम के साइजेस भी आपको डिसेंट लगेंगे, कंजेस्टेड बिल्कुल नहीं लगेगा। प्लम्बिंग सैनिटरी फिटिंग सारी लगी हुई है, वॉल टाइल्स आपको 8 फीट तक मिल रही है, बाथरूम में भी अच्छी सनलाइट आ रही है, दिन के टाइम में आपको लाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर। तो ये हो गया हमारे फर्स्ट फ्लोर का फर्स्ट बेडरूम और डुप्लेक्स का सेकंड बेडरूम अटैच लेट बाथ के साथ। जाने से पहले एक बार फिर से आपको बेडरूम का व्यू दिखा देता हूँ, और अब यहाँ से बाहर चलते हैं और चलते हैं अपने डुप्लेक्स के थर्ड और मास्टर बेडरूम की तरफ। तो दोस्तों यदि ये बेडरूम का साइज इतना अच्छा था तो आप अंदाजा लगा लीजिए मास्टर बेडरूम तो और बड़ा ही होगा। मैं जितनी बार इस डुप्लेक्स के बेडरूम साइज देखता हूँ उतनी बार अचंभित हो जाता हूँ। बिल्डर ने 750 के प्लॉट एरिया पे इतनी खूबसूरत प्लानिंग की है कि यदि आपके पास 750 का प्लॉट है तो आप इस लेआउट को एग्जैक्टली कॉपी कर सकते हैं। मास्टर बेडरूम का बाथरूम देख रहे हैं हम, सेम एज इट इज है जैसे पहले दोनों बाथरूम थे। यहां से मैं एक बार फिर से आपको मास्टर बेडरूम का फ्लोर टू रूफ का स्पेस दिखा देता हूँ। अच्छा बड़ा रेक्टेंगुलर शेप का मास्टर बेडरूम है आपका, सामने आपको बालकनी भी दिख रही है, फॉल सीलिंग ऊपर की हुई है, बहुत डिसेंट और अच्छी फॉल सीलिंग की हुई है, बड़ी विंडो और गेट दिख रहे हैं, बालकनी में ओपन होते हैं, सनलाइट आपकी प्रॉपर रहती है,
बालकनी का स्पेस आपको दिखा देता हूँ, पूरी कवर्ड है ऊपर से और आप अपना सिटिंग स्पेस अच्छे से बना सकते हैं, सफिशियंट स्पेस है मेरे ख्याल से। तो सामने आप देख रहे हैं रेलिंग लगी हुई है, टफन ग्लास लगा हुआ है इसमें। और दोस्तों यहाँ से आपको डुप्लेक्स के बाहर का व्यू भी दिख रहा है, हालांकि सामने जो इतनी स्पेस दिख रही है ये बेसिकली प्लॉट है और सारे प्लॉट सोल्ड आउट है, तो भविष्य में यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। ये जो सामने आपको हरियाली दिख रही है ये गार्डन का स्पेस है, तो ये जगह आपको खुली रहेगी पर वो एग्जैक्टली डुप्लेक्स के सामने नहीं आ रही है। अब हम यहाँ से चलते हैं डुप्लेक्स के सेकंड फ्लोर पे और अपने टेरेस पोर्शन भी देख लेते हैं। तो सेम स्टेयर जैसी ग्राउंड टू फर्स्ट थी ऐसे ही आपको फर्स्ट टू सेकंड फ्लोर की मिलेगी। ऊपर ममटी का स्पेस देख लीजिए, यहाँ पर भी अच्छी बड़ी विंडो दी है जिससे कि सनलाइट बनी रहे, ममटी में लाइट जलाने की आपको जरूरत ना पड़े। और छोटा सा स्टोरेज स्पेस भी दिया हुआ है। ममटी में जो आपको गेट मिलेगा वो फैब्रिकेटेड लोहे का मिलेगा, क्योंकि ये आउटर वॉल पे है, पूरे 12 महीने धूप बारिश गर्मी सब झेलता है, तो इसलिए यहाँ पर लोहे का गेट देते हैं अधिकतर बिल्डर। अब हम आ गए फाइनली अपने टेरेस के पोर्शन में। चारों तरफ आप देख रहे हैं खुला हुआ वातावरण है, काफी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ऊपर ममटी पे आपकी 1000 लीटर की पानी की टंकी रखी हुई है और उसके लिए लोहे की सीढ़ियां दी हुई है जिससे कि आपको कभी कभी रूटीन साफ सफाई करवानी हो अपनी। तो दोस्तों वास्तु विकल्प रिएटर्स इस तरह के वीडियोस आपके लिए भविष्य में भी लाता रहे, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें और इस प्रॉपर्टी को विजिट करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।